महाराष्ट्र की राजनीति जारी घमासान का रंग बदलने लगा है। मामला अब धमकी के बाद अब हिंसा की ओर बढ़ रहा है। शनिवार को पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा वहां पास की दुकानों में भी तोड़फोड़ की। ऑफिस और दुकानों की दीवारों पर शिव सैनिकों ने गद्दार भी लिख दिया। तानाजी इस समय शिंदे के साथ गुवाहाटी में है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी कड़ा कर दिया गया। महाराष्ट्र में बदलते सियासी समीकरण के बाद हिंसा की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया। वहीं इस बात की भी खबर है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आदेश से शिवसेना के बागी विधायकों की सुरक्षा को वापस ले लिया गया है। हालांकि उनकी और उनके परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की। आपको बता दें, संजय राउत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो शिव सैनिक है वो भड़के हुए हैं बागी विधायकों पे, और अगर वो मुंबई आते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है और हमने शिव सैनिकों को रोका हुआ है, वरना वो लोग आग लगा दे। तो कहीं ना कहीं संजय राउत के बयान का असर देखने को मिल रहा है। ये जो जगह जगह पर जिस तरह से शिव सैनिक भड़के हुए हैं और बागी विधायकों के जो ऑफिस है उस पर जो जिस तरह से हमला किया जा रहा है, तो ये संजय राउत के बयान का असर दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग जो बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, इन पर भी नकेल कसने की जरूरत